News 18, India. बड़ी खबर, पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास भारतीय चरवाहों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प का एक वीडियो सामने आया है। चीनी सैनिक चरवाहों को अपने जानवर चारागाह में ले जाने से रोक रहे थे, जिसका चरवाहों ने विरोध किया। चुशुल के पार्षद कोंचोक स्टेंजिन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें चीनी सैनिक चरवाहों को रोकते नजर आ रहे हैं। चरवाहे उनसे बहस कर रहे हैं और उस जगह से लौटने से इनकार कर रहे हैं। और जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, वीडियो जनवरी के पहले हफ्ते का हो सकता है। दोनों के बीच में किस तरह से झड़प हो रही है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। संदीप बोलकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संदीप, ये जो वीडियो है, संदीप बोल, ये जो वीडियो है इसमें हम साफ देख सकते हैं कि किस तरह से चीनी सैनिकों के साथ हमारे जो चरवाहे हैं वो उनकी झड़प हो रही है, उनको रोका जा रहा है और वो मानने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए इस तरह की घटना जो है उस तरफ आम है, क्योंकि परसेप्शन है बॉर्डरी की। तो ऐसे में हमेशा जब भी हमारे जो ट्रेडिशनल ग्रेजिंग ग्राउंड्स है, जहाँ पे कि भारतीय जो चरवाहे हैं वो अपने पशुओं को लेके जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे चाइनीज पीएलए उन्हें उस जगह खदेड़ने की कोशिश करती है, रोकने की कोशिश करती है। और इसी तरीके की घटना जनवरी के पहले हफ्ते की भी है, जब पूर्वी लद्दाख में इस तरीके की घटना हुई, जहां भारतीय चरवाहों को रोका गया चाइनीज पीएलए की तरफ से। उसका पुरजोर विरोध पे उन चरवाहों ने किया, बाकायदा उन्होंने पत्थर तक मारे उनकी जिप्सी के ऊपर। के एक तरीके से पुराना एक ये इस तरीके के इश्यू जो है वो चलते चले आ रहे हैं, लगातार इस तरीके की घटना होती है। लेकिन जिस तरीके का वीडियो सामने आया उससे साफ है कि चीनी पीएलए ने रोकने की कोशिश की और भारतीय जो चरवाहे हैं वो किसी भी हाल रुकने को तैयार नहीं थे। और उसके बाद इस जो जानकारी हमें मिल रही है कि लोकल लेवल पे बातचीत करके मसले को सॉल्व कर दिया गया, टेंशन इस तरीके की नहीं है उस इलाके की, एक आम सी घटना है। लेकिन जो वीडियो सामने आया वो इतना साफ दिखा रहे कि चीनी पीएलए किस तरीके से भारतीय चरवाहों को हमारे पारंपरिक ग्रेजिंग ग्राउंड में जाने से रोक दिए, जैसा कि वहां के जो चरवाहे वो भी फुलते नजर आ रहे हैं। और संदीप, वैसे भी चीनी सैनिकों की ये पुरानी आदत है, इस तरह की मनमानी, इस तरह की जो हरकतें हैं वो पहले भी कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो उनकी पुरानी आदत है, क्योंकि चीन जो है वो इस्लामिक स्लाइसिंग करता है, यानी कि धीरे धीरे जमीन को कब्जा करने की कोशिश करता है। और पहले भी, क्योंकि ये पूरा इलाका सिर्फ ग्रेजिंग ग्राउंड नहीं है, एलएसी है, यहाँ पे जासूसी कराने के मकसद से भी चीन अपने जो ग्रेजर्स हैं यानी कि चरवाहे उनको भेजा करता था। उनके भेज में बाकायदा चीनी पीएलए भी आके उन सब इलाकों में जरूर विजिट करती थी, जिस जगह जो कि उनका हिस्सा नहीं है ये। और जैसे ही भारतीय जो चरवाहे हैं उन सब ग्रेजिंग ग्राउंड, क्योंकि ट्रेडिशनल ग्रेजिंग ग्राउंड है, ये भारतीय ट्रेडिशनल ग्रेजिंग ग्राउंड है, जो वहाँ के लोग हैं जो सदियों से वहाँ रह रहे हैं, वो इन सब इलाकों में अपने पशुओं को लेके जाते रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो एलएसी का इलाका है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ध्यान दिया जाता है इस चीज को लेकर। और जैसे जैसे घास इधर से खत्म होनी शुरू होती है, चरवाहे जो है अपने पशुओं को आगे ले जाते हैं और इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कि पीएलए उनको रोक के उनके खदेड़ने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया आपका संदीप बोल। तो जैसा कि संदीप बोल बता रहे हैं कि ये मामला जनवरी के पहले हफ्ते का है, लेकिन जो लोकल्स हैं उनके बीच में दखल देने के बाद यह मामला सेटल हो गया। वैसे आपको बता दें, लद्दाख में चीनी सैनिकों की मनमानी नई नहीं है, इससे पहले भी कई बार चीन की सेना के सैनिक भारतीय गांवों में घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं। एलएसी के पास न्योमा गांव के चरवाहों से ग्रेजर्स जो हैं चीनी सैनिकों ने मनमानी की, चरवाहों को जाने से रोका गया। चीनी सैनिक उस इलाके को अपना बताकर भारतीय चरवाहों को जानवर चरागाह तक ले जाने नहीं दे रहे थे। न्योमा गांव के लोगों के मुताबिक, जहां वो अपने जानवरों को बांधते हैं उस जगह को चीनी सैनिक अपना बता रहे हैं, और इसी वजह से न्योमा गांव के जो लोग हैं, जो लोकल्स वहां के, चीनी सैनिकों से भिड़ गए और उनकी गाड़ियों पर उन्होंने पथराव भी किया। पहले भी कई बार इस तरह चीन के सैनिकों की मनमानी की वजह से चरवाहों से उनकी झड़प हुई है। जो ये वीडियो हम आपको दिखा रहे थे, ये वीडियो हालांकि जनवरी के पहले हफ्ते का, जो लोकल्स जो स्थानीय लोग हैं